रही है वो भी ब्रिटिश। आपने नहीं देखा मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं हमारे। आज भी जो है ना हमको, हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 लेने से देते थे। ये देखे अभी 4 लेने से देते। जो द गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशत गर्दों को मारा गया है, ठीक है द गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसी मौजूद है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला, जैसे मुल्क होता है ना वैसे। अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है, वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जांपल कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार किया? कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं है, इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5-स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5-स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना फिर इसका मतलब टूरिज्म पे काम कर रहे हैं? नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डल झील है वो, अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैं यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है या वो दरिया किसके हैं? दरिया पाकिस्तान के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलूचिस्तान की बात करें वहाँ से अगर गैस निकल, शेर है अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा गंदम की पंजाब से जाती है। चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से जाता है। दालें कहाँ से जाती हैं? वो बात तो सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा किसने कहा नहीं मिलती? टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त नहीं है, टैक्स फ्री जोन है। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 दिन से ब्रिटिश न्यूज एजेंसी गार्डियंस की तरफ से एक रिपोर्ट जो कि इस टाइम वायरल है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। इसी हवाले से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी उसामा बिन लादन का केस सामने आता है कि अमेरिका घर में घुस के मारता है, और कभी इंडिया के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती हैं। पब्लिक इसके ऊपर जो ओपिनियन देती है वो हम जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुबशर सिद्दीकी। मुबशर साहब क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस जो है वो बस आप समझ लें कि दरमियाना चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो द गार्डियन एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेज ने उन्हें यहाँ पे आके मारा, एजेंसीज ने यहाँ पे आके मारा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस न्यूज़ को आपने पहले सुना? जी पहले मैंने सुना है इस न्यूज़ को, लेकिन एक बात बड़ी वाजह है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अच्छा जो इंडिया के नज़दीक दहशतगर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नज़दीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा लाजमी बात है वो पेट्रियाट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो इंडिया के नज़दीक दहशतगर्द हैं, हमारे नज़दीक वो दहशतगर्द हो सकते हैं। इधर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में जाके किसी का नुकसान करे वो पाकिस्तान का हीरो होगा और इंडिया के लिए वो दहशतगर्द होगा, ऐसा है? बात ये है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई नुकसान किया है या नहीं किया। ठीक है, ठीक है ना, नुकसान नहीं किया उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है। हम एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें हर चीज एक तरीके के साथ चलती है। ठीक है, ये तो कोई नहीं मेरी आपके साथ इख्तलाफ है तो मैं आपको कत्ल कर दूं। ठीक हो गया, उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए एक तरीका कार है, दुनिया का ये तरीका मुल्कों में एक तरीका है। भाई आप किसी कंट्री को बोलेंगे यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और आप इनका रिकॉर्ड या इनका ट्रायल किया जाए, ये चीज होनी चाहिए, तो वो फिर कहते हैं उनका इंडिया वालों का ये कहना है कि वो हाफिज सईद और इसके अलावा वो दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है, इनका ट्रायल किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि ट्रायल कर दें? नहीं सर, बात ये है दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज सईद साहब हो गया, अब दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क का बाशिंदा है, ठीक है, हमारा तो नहीं है, वो पाकिस्तान में तो नहीं है, या तो वो सबूत दे के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है, बात ये है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा, इसलिए
बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल अदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इसे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं नहीं, एक लहदा सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं क्या वो इंसाफ पर मबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों ही तस्लीम करते हैं आप लोग? ठीक हो गया, उसने जो किया वो दहशतगर्दी नहीं है। आप किस पाकिस्तान में भी आपके साथ हमसाया है उसके घर पे जाके कब्जा कर ले तो क्या अगर आप ताकतवर है तो राइट इज माइट हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह बात यह है कि ये सारे फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं। एक वक्त में वो उनका आंख का तारा था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, आज वो उनके ऊपर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की तो आज वो दहशतगर्द हो गए। ठीक हो गया, यानी पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो हाफिज सईद है वो ना, क्योंकि वो कोई अपनी पार्टी नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर। चले सर, आप एक मिनट में क्या कहना चाहेंगे, जो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई है दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसी मौजूद है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एजेंसियां दोनों मुल्कों में काम कर रही हैं। तो ऐसा अगर ऐसा है आपके बोल के भाई दोनों एजेंसी दोनों कंट्रीज में काम कर रही हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि भाई जो उनको खदशात हैं या जो जिन लोगों से उन्हें कोई गिला है शिकवा है वो पाकिस्तान उनका ट्रायल करे, इस तरीके से हम मतलब ये प्रॉपर तौर पर उनके साथ मिलकर ओपनली ये करें कि हाँ भाई हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मैं ये समझता हूँ ये हो ही नहीं सकता, इंडिया माने गए उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने हमारे काफी हिस्से पे कब्जा नाजायज कब्जा किया हो। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे फारिग? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना, देखें वो कहते हैं कि जो उनके महाराज उनके जो महाराजा हैं उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना, आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी, अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की तो वो भी हमारा था, वो हैदराबाद जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता, और सबसे बड़ा आलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान, हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है, हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा, आज आप लिबरल हो जाएं बांग्लादेश की तरह, अगर आप जाएं कि एक मस्जिद हो सात क्लब हो, ठीक है, हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की में भी ये चीजें हो रही है, तो आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। तो हम यानी कि इस्लाम असल मुसलमान है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मसला ये है कि उन्हें आपसे डर नहीं है, हमारे आपके मजहब से डर है, ठीक है, कि ये मारेंगे तो ये इनका मजहब मारेगा इनको। नहीं, आपने बोला है हम असल मुसलमान हैं, अभी दो तीन दिन पहले की रिपोर्ट थी मस्जिद के अंदर ही, आपने शायद सुना होगा कि इत्तकाफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ, यार ये होता रहता है सारे मुआशरों में, ये जराइम जो से है सिविलाइज में ज्यादा है। अच्छा, कभी आप इंग्लैंड जाके देखें या अमेरिका में देखें, ये बच्चों के साथ या दूसरों वहाँ पे हमारे से 2000 गुना ज्यादा क्राइम है। लेकिन कहते हैं ना किसी घर में जो सा, कहते हैं एक अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था, ठीक है, उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी अफसर ने, कि तमीज ही नहीं है, ठीक है। वो अपने अगले बड़े अफसर के घर जा रहा था, उसका बच्चा ऊपर से खड़ा, उसने पेशाब कर दिया उसके ऊपर, है, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चों का पेशाब पाक होता है। अच्छा, 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 अच्छा। हमारे साथ ये अलमी है, ठीक है। आज अगर हमारे पास पैसा हो, हाँ, तो हमारी सारियां बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम आईएमएफ के पास जाते हैं, हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। नहीं नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास असल मुसलमान प्लस मुनाफिक, जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं, ठीक है, उनके अपने मफाद, वो असल मुसलमान नहीं है, नहीं, वो ही है ना, नाम की है, ठीक हो गया, जो आम पब्लिक है वो असल मुसलमान, ये से डर। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई सिर्फ एक ही चीज है, हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे और लोग भी। आपको जो पता हो ये चीज, मैं यहाँ बगैर इजाजत से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मैं कभी भी नहीं उठाऊं, कभी भी नहीं उठाएंगे, बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस्लामी मुआशरे उजरे देखें तो है ही नहीं था जराइम,
बल्कि ज़कात लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। तो पाकिस्तान किस नाम पे बना? पाकिस्तान किस नाम? वही बना था ना, उस पर अमल नहीं ना हो रहा भाई मेरे, उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रहे। ये चीज इस चीज से मैं मानता हूँ कि मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने सब किया, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, खुद मैं नहीं कर, खुद मैं जो मर्जी करूँ, गवर्नमेंट में हम ही बैठे हैं। हाँ, हमारे से ही, हमारे जैसे लोग किसी सीट पे बिठा देंगे कि मैं अपनी मर्जी करूँगा, मैं फिर पावर इस्तेमाल करूँगा अपनी, जायज करूँगा। आप जो गवर्नमेंट में, ये है हम ही गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और कुछ तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं आए, पाकिस्तान नहीं, सबको पता है, ये सबको पता है क्या जो हो रहा है, सबको पता है, किसको नहीं पता, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, और आप इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, वही बताया जस्टिस, जस्टिस, और वो हमने करना है या हमारे बड़ों ने जो इदारों में बैठे हैं उन्होंने करना है। ठीक हो गया, खैर अच्छा लगा बात करके, इनकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमें घर में इंसाफ लाने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करना काफी है, बाकी मुआशरा खुद बहुत ठीक हो, बाकी चीजें खत्म हो जाएगी, नहीं तो और क्या है, सारा हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, दहशतगर्दी खास तौर पर, दहशतगर्दी कौन सी है, है ही नहीं पाकिस्तान, किधर है ये, कुछ भी नहीं देखे, इंडिया करवा रहा है, नहीं कल देखे ना, अच्छा आज से 20 साल पहले चले जाए, इंडिया चीखे मार रहा था क्या कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं, ठीक है, ठीक है कि उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ, आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे हैं, करवा इंडिया रहा है, नहीं वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास प्रॉपर, और आपने कहा है, आपने कहा दहशतगर्दी हो ही नहीं, वो भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है, लेकिन हालात हमारे क्योंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है, बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ है, हमारी एजेंसी अभी कायम है, वो उधर ही काम कर रही है, तो फिर रोकते ना इस चीज़ को, रुक नहीं ही सकता, जब एक नहीं रोकना नहीं चाहते, जब सारे लोग आपके खिलाफ हों तो एकदम अकेला आदमी नहीं रोक, थोड़ा वक्त का इंतजार करें, ठीक हो जाएगा, बेहतरी की उम्मीद है, इंशाल्लाह देखें ठीक हो गया जी, बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह, चले जी, दहशत गर्दी और तुम और मैं यहाँ कैसे बैठे हूँ, नहीं ये लाहौर है ना, फिर आप बलोचिस्तान में ऐसे जा, अच्छा चले मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ही ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं, मैं तो कश्मीरी हूँ, अच्छा कौन से एरिया के, ये अपने कश्मीर के उधर राजल के हैं, कश्मीर में कौन से, मीरपुर के हैं, आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट, बिल मेरा मतलब है ये पंजाब में नहीं हो रहा, ये हमारा आदत ये चलता है, रहता है। ओ भाई मेरे ये हमारी आदत है, हम खाना चाहते हैं, खाने के पैसे नहीं देना चाहते नहीं लेकिन कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं है, आप तो अभी पैदा हुए हो ना, हमारे दौर में एसी भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, सारे जिंदा थे, अब हम घरों में हमने चार चार एसी लगाए हैं, इनकम है मेरी बहुत ज्यादा नीचे, मैं कहता हूँ फैसिलिटीज मुझे मिले नवाज शरीफ वाली, ठीक है लेकिन पैसे ना देने, नहीं कश्मीर के माँ आप तो कश्मीरी, आपको तो ये बात करनी चाहिए कि उनका ये स्टांस है कि बिजली वहाँ से बनती है, मतलब वो भाई उनके मामे की है, बिजली उन्होंने क्या बनाई है, पैसा तो पाकिस्तान ने लगाया हुआ है, यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है या वो दरिया किसके हैं, दरिया पाकिस्तान के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें वहाँ से अगर गैस निकल, शेर है अब इधर गंदम किधर से जाती है, अच्छा गंदम की पंजाब से जाती है, चावल कहाँ से जाता है, पंजाब से, दालें कहाँ से जाती हैं, वो बात तो सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता, अच्छा किसने कहा नहीं मिलती, और ये चीज है, अगर हम कहें जी हमारी गंदम जो है हम तो देंगे 500 रुपए किलो, ठीक है क्योंकि मेरी है, पंजाब की है, ये मुमकिन है, नहीं ये तो गलत, सारे मिलजुल के जब करते हैं ना, किसी जगह से चीज कम आ रही है, किसी बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक हो गया, हमें चूंकि आदत है मुफ्त खाने की, अब जरा थोड़ा देने पड़ रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ हो, फिर उन्होंने उधर उन्होंने पॉलिटिक्स भी करनी है, पॉलिटिक्स करनी है उधर के, बेरोजगारी की भी बड़ी, बेरोजगारी किधर है, अच्छा चले मुझे बता दे कश्मीर, मेरे भाई तुमने घर देखा ही नहीं है उधर, नहीं नहीं वो लोग उधर रह रहे हैं ना, वो ज्यादातर बाहर के कंट्री में, जो भी है किसने भेजा बाहर, किसके पासपोर्ट पे बाहर जाते हो, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, मुझे ये बता दें कश्मीर में कितने कॉलेजेस इस टाइम मौजूद हैं जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट के, और कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहाँ पे मौजूद हैं, वो किसकी जिम्मेदारी, किसकी, मुकामी गवर्नमेंट की, अच्छा वो मुकामी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मुकामी यार जैसे पंजाब है, ठीक है पंजाब में हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी आप कहते हैं सब मिलके करना है, आप कह रहे हैं नहीं मिलके, ये फंड दे रहे हैं उनको, वो उन्होंने पजारों खरीद ली है, उधर वफाकी गवर्नमेंट क्या करे, कभी आप जाके देखें करप्शन पाकिस्तान से उधर 2000 गुना ज्यादा है कश्मीर में, जी वहाँ पे जो सा कभी आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे नलका भी गवर्नमेंट लगवा के देती है 1 करोड़पति आदमी को, मुझे ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, नहीं है ना आपको रियल, फिर वही बात है, अच्छा लेकिन एक और आपने बोला की भाई 1 करोड़पति आदमी को नलका लगा, यानी गरीबों को नहीं लगा के दे रहे,
यही मिसाल दी है आपको कि वहाँ पे वो करोड़पति भी कहता है नलका मुझे गवर्नमेंट लगा के दे और वो गवर्नमेंट फंड देती है उसको। लेकिन उनका ये भी थोड़ा सा क्लेम है आपका, बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं मोस्टली लोगों का, उन्होंने वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने देते। किसने रोका है? आओ मेरे साथ, तू पैसे लेके आ, मैं लगवाता हूँ। कोई भी नहीं रोकेगा। किस जगह पे? मीरपुर में जो उसका है इंडस्ट्रियल जोन है। ठीक हो गया। वो एग्जेम्पशन तमाम जो ये आते हैं ये मैट्रेस, ठीक है, वो उधर है। टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है क्योंकि वहाँ पे काश्त है। हाँ, काश्त नहीं है। हाँ, टैक्स फ्री जोन है। ठीक हो गया। मीरपुर का टैक्स फ्री जोन है, जितने आपके मोल्टी फॉर्म डायमंड फॉर्म सारे वहाँ पे लगी हुई है। आपके डायपर की इंडस्ट्री वहाँ पे लगी। और मुजफ्फराबाद में? मुजफ्फराबाद में जगह ही नहीं है इस इंडस्ट्री लगाने के लिए। यानी यहाँ पे वो सेंटर है? नहीं नहीं, वो पहाड़ी इलाका, पहाड़ है। वहाँ पे जो प्लेन जमीन है वो मीरपुर है। जब मीरपुर आप मंगला डैम क्रॉस करते हैं, मैं समझ गया हूं, प्लेन जमीन है, इस वजह से ज्यादा फैक्ट्री का एरिया, बहुत ज्यादा टैक्स फ्री जोन है वो पूरा, वहाँ पे सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक, किसने कहा है? ठीक हो गया। और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बेहतर है वहाँ पे, मोटरवे जाती है कश्मीर में, मोटरवे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है। मैं कहता हूँ कमाल का, कभी आप गए ही नहीं है ना? नहीं, मैं क्या हूँ वैसे, इतनी कमाल की सड़कें हैं पाकिस्तान में नहीं। नीलम वैली पे मैं गया और वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं थे यार, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने रोका हुआ है। बॉर्डर का भी देखा आपने, दरिया से सिर्फ उतना है। ठीक है, लेकिन उस साइड पे मैंने देखा सिग्नल, उधर भी नहीं है। नहीं, मैंने टावर देखने से कैसे नजर, सिग्नल आपको नजर कैसे आ गए? ठीक हो गया। अच्छा, यानी आपके ख्याल से आपको कैसे नजर आ, उन्होंने टावर जो लगाए हैं वो फॉर्मेलिटी है? हमारे उन्होंने भी लगाए हुए हैं, तो फिर हमारे सिग्नल नहीं, तो उनके वो रोकते हैं हर दोनों साइडों पे ऐसे ही फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक हो गया। चले जी, मुझे देखें कश्मीरी ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे भी गया हूँ, दो दफा कश्मीर का विजिट किया, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी ली। पंजाब में तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं ये कमेंट पे बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मेरे भाई तो चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर है, सका भाई मेरा। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं? माशाल्लाह लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी। अब मेरे, अब माइंड ना करिएगा, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया आपके अपने भाई जो हैं गवर्नमेंट में या चीफ जस्टिस हैं, मतलब इस वजह से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं तो फिर बात लेकिन मैं भी एक चीज नोट करके आया हूँ की वहाँ पे बिजली के बिलों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, कायदा चल रहा था। और ठीक है, आप मानते हैं ना इस चीज को? फिर उसके बाद जॉब्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो इस टाइम नए प्राइम मिनिस्टर है उनके इनवारुल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फराबाद ने ब्रिज का मतलब वो ओपनिंग की, सेरेमनी की, तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। ब्रिज नहीं बनना चाहिए, ब्रिज नहीं की हमें जॉब्स दो। जॉब जब निकले पाकिस्तान में तो कर रहे हैं सारे जॉब, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, वहाँ से आगे यहाँ पे जो काम कर रहे, तो वहाँ पे क्यों नहीं जॉब? भाई वहाँ पे इंडस्ट्री कम है ना, ये इंडस्ट्री कम कोई जगह के लिहाज से है ना भाई, मेरे भाई ये पहाड़ों पे तो इंडस्ट्री नहीं लगानी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मोस्टली जो कश्मीरी हमारे भाई है ना वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं। मेरे कुछ चीजों के सरकमस्टेंसेस मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड जमीन इतनी नहीं है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री लगनी है। पहाड़ों पे इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती, ला मटेरियल तो नहीं लेके जाओगे, कैसे जाओगे? टूरिज्म के ऊपर तो वर्क कर सकते हैं। टूरिस्ट है किधर है? इतनी जगह ही नहीं है टूरिस्ट की। सर कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने फाइव स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा फाइव स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब टूरिज्म पे काम कर रहे हैं? नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाली झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। पूरे पाकिस्तान में कितने फाइव स्टार होटल है आप बताएं? कितने? कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, एक भी फाइव स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे फाइव स्टार नहीं है। ठीक है, और उधर कश्मीर में फाइव स्टार होटल, उधर कश्मीर में 100 फाइव स्टार होटल श्रीनगर। हाँ, भाई मेरे भाई ये है कि आप देखें ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। अच्छा। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट करे, चंद एक इलाके हैं वो, चूंकि हम फर्स्ट टाइम नीलम वैली और ये हम लोग जाते हैं ना, कोई पहाड़ देखे नहीं हुए। ठीक है, ये वो अट्रैक्ट नहीं करता ओरिजिनल जो सियाहत है वो। अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो से ना लाजर सरकमस्टेंसेस जरा मुख्तलिफ है। मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा, वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा, वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में अभी डेवलप होना था तो पार्टीशन हो गए। ठीक है, आप इंडिया जो बर्तानिया गवर्नमेंट का जो सा ना फार्मूला देखे, ठीक है, उन्होंने बंगाल से जब शुरू किया था
डेवलप करना, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ढाका में किया था डेवलपमेंट का काम किया, जो अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी उन्होंने बनाई, बाद में इंडिया ने कौन सी बनाई अंडरग्राउंड? ये अभी कश्मीर में मैं सोच रहा था कि उन्होंने ब्रिज एक वो बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। सारी ट्रेन तो इंडिया बरतानिया गवर्नमेंट ही लेगी थी। ये जो अभी ब्रिज बना है दुनिया का सबसे ऊंचा, पुराना बन गया होगा ना, उसने तरक्की बड़ी कर ली, पैसा आ गया। पहले सारी डेवलपमेंट बरतानिया गवर्नमेंट करके दे गई हुई है, हमारे इलाकों में होनी, हमारे इधर कोई डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जरा 10 साल पहले हम आजाद हो गए, वो 10 साल बाद आजाद होते तो हमारा भी डेवलप बहुत ज्यादा हो जाना। चले यानी हमने खुद नहीं कुछ करना, बरतानिया अगर कर जाता तो बेहतर था। उन्हें करके दिता तो ट्रेनें बंद कर छड़ियां। हाँ ये बात है, हमने तो ट्रेनें बंद कर दी, उसकी आप अंदाजा लगा लेने कितना एरिया था ट्रेनों का, ठीक है, आधा बंद पड़ा है। और बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, चिकवाल का स्टेशन है वो तो खत्म हो गया, सूर है 10 ट्रेनें जाती थी 10 आती थी, और अब कितने ट्रेन नहीं जाती है वहाँ पे ना, जानवर लोगों ने बांधे हुए। ये देखें आप इसमें हम क्या कहेंगे, 90% सफर करते हैं वहाँ पे, ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश। आपने नहीं देखा मैं 6 दफा इंडिया गया, अच्छा तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं हमारे, आज भी जो है ना हमको, हम 90% टिकट नहीं लेते, ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। ये देखे अभी 4 आने नहीं से देते किसी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक, 2 नंबर के भाई 4 आने हमारे पास, और आज हम जिस भी खा गया ड्राइवर भी खा गया जीएम भी खा गया, ठीक है सारे खा गए। मोस्टली हम करते हैं 5-10 मिनट की बात करते हैं, लेकिन ये भाई ने जो बातें की, सर ने बातें की, इन्होंने बातें की, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की बातें एक आधा घंटा भी चलती रहे तो शायद खत्म नहीं होगी, सीखने को मिलेगा। कल्याण बुलाओ थे और किसी दिन इन्हें इनवाइट करेंगे प्रॉपर, इनवाइट कर ठीक हो गया, इनवाइट करेंगे प्रॉपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल। और आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? लॉ कर रहा हूँ। और आप क्या करते हैं? लॉ कर। मैं भी लॉ कर रहा हूँ, जबरदस्त। चले फिर एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान के, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज क्या हैं, तो आप कौन से इश्यूज बताएंगे? यार यही है, क्या नाम है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से गुर्बत है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा यार दहशतगर्दी वगैरह। अच्छा, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, तो क्या इश्यूज? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे मेन इशू है पाकिस्तान का, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी है, वसाइल नहीं है, ठीक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान, ठीक है, ये 3 इशू है। आपने एक बीच में बात की दहशतगर्दी की, दी गार्डियन की रिपोर्ट है 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई कि भाई पाकिस्तान में 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 ऐसे लोगों दहशतगर्दों को मारा गया है जो कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं उनका लिंक था, कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और वो मारा है, दी गार्डियन की रिपोर्ट है कि वो इंडियन एजेंसीज ने यहाँ पे आके उन्हें मारा है। सबसे पहले तो ये बताएं इस न्यूज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये सुन के आप? यार काफ़ी बुरा लगा है, क्योंकि क्या नाम है, हमारे जो यहाँ पे हमारी एजेंसीज हैं इन्हें काम करना चाहिए था इसके खिलाफ, ठीक है। सबसे पहले तो यही राइट बनता ना, इससे पहले हमने ये भी सुना उसामा बिन लादेन वाला भी सीन हमने सुना, उसामा बिन लादेन की भी एग्जीक्यूशन हुई थी, तो ठीक है। वो भी यही है कि हमारी एजेंसी इन्वॉल्व थी, इस वजह से ये लोग क्या नाम है बाहर से अमेरिका ने आके उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये उसकी प्रॉपर कोई रिपोर्ट हमें मिली नहीं थी, मतलब प्रॉपर बताया नहीं गया था कि उसकी बॉडी कहाँ पे गई या फिर आगे जो भी फर्दर रिपोर्ट थी वो किसी को नहीं लेकिन ये तो हम भी मानते हैं ना कि वो यहाँ पे मौजूद था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि भाई इस तरह उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जब न्यूज आती है, ऐसी चीजें सामने आती है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आता है? हम तो कहते हैं हम एक पीसफुल कंट्री है, हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे आए दिन कोई ना कोई खबर आएगी दहशतगर्दी के हवाले से, क्या इमेज आता है? यार अच्छा इमेज नहीं जाता यार, क्योंकि बाहर से जब क्या नाम है टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके जरिए यही होता है कि क्या नाम है हम पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, लेकिन यही हम कहना चाहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में आए, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स वगैरह सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है, कहीं पे भी जाएं आप सब क्या नाम है स्कर्दू वगैरह जाएं, हमारा माशाल्लाह प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ये आपकी बात। लेट्स सपोज कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा सुनता है, कोई टूरिस्ट जो आना चाहता है वो सुनता है, वो कहेगा यार ये बंदा तो कह रहा है, लेकिन क्या मुझे वहाँ पे ये सिक्योरिटी देगा या इनके इदारे सिक्योरिटी देंगे, कौन सिक्योरिटी देंगे, सवाल तो ये है।
क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, और उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई वहां पे इलीगल एक्टिविटी करके चला भी जाएगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, जिस कंट्री में जाएगा उधर घुस के मारेंगे। क्या समझते हैं, क्या इनकी उनकी पॉलिसीज की वजह से आज वो आगे जा रहे हैं? यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे वो छुप के वार कर रहा है, वो पीछे से बैकबाइटर्स टाइप ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जांपल कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार किया। जैसे ये लास्ट क्या नाम है वो क्या नाम हमारी एयर जब क्या नाम है फ्लाइट वाला वाकया हुआ था, ठीक है, जो उनका एक पायलट यहाँ पे गिरा, उनका पायलट यहाँ पे गिरा था, तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी उनके न्यूज चैनल? क्या स्टोरी सुनाई थी? यही स्टोरी सुनाई थी कि हमने उनके क्या नाम है फाइटर जेट्स वगैरह इनको गिराया है, उसके अलावा असल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, बल्कि उनका पायलट कह रहे हैं कि वो छुप के वार करते हैं, दूसरी साइड पे जो फाइटर तैयार था वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने आया। सही है, तो क्या समझते हैं वो फिर छुप के तो ना हुआ? नहीं नहीं, वो आया तो सबके सामने ही था, लेकिन आगे उन्होंने जो अपनी आवाम को स्टोरी सुनाई थी या उनके न्यूज चैनल आप खोले उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ, लेकिन सारी दुनिया ये सच जानती है कि हमने किस तरह हमारी फौज ने प्रोफेशनल तौर पे उनको क्या नाम है डील किया उनके पायलट को। देखने वाले इस वाक्य के हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में बताइएगा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे जो दहशत गर्दी की वेव, पहले तो ये बताएं इसे एग्री करते हैं डिस एग्री के बढ़ती नजर आ रही है फिर से? मेरे ख्याल से तो मैं इससे डिसएग्री करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो पाक फौज है वो हमारे लिए क्या नाम लेते हैं दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रही है और वो हमारे लिए जाग रही है, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ फेक न्यूज है जो के हमें बताई जाती है फजूल में पाकिस्तान का। अभी आपको पता है डीमोरलाइज करने के लिए पहले चाइनीज के साथ इशू आया, 5 चाइनीज की जाने गई, धमाका हुआ, फिर बलोचिस्तान में आए दिन हम सुनते हैं, कभी केपीके में सुनते हैं। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ शर्त पसंद अनासर भी तो होते हैं बीच में, लेकिन हमारी फौज इस पे पूरा काबू पाने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह हमारी टाइम तक हम काबू पा लेंगे इंशाल्लाह जल्द। आप कुछ कह नहीं सकते, ऐसे तो अमेरिका में भी बहुत सारी दहशत गर्दी हो जाती है, पिछले दिनों आपने देखा होगा रशिया में ठीक है अटैक हुआ है, तो आप अब किसी को बाय फेस तो जज नहीं कर सकते कि कौन क्या बंदा क्या सोच रहा है, ठीक है, तो उस पे हमें साथ साथ ये तो चीजें चलती रहेंगी। चले इस बात से एक मिनट के लिए मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, ऐसे जो कोई भी इंसिडेंट होता है देखने को मिलता है, लेकिन रशिया में क्या आपको हर हफ्ते में एक दो खबर ऐसी सुनने को मिलती है? ये तो तकरीबन उनका साल दो पता नहीं कितने साल बाद ऐसा कोई वाकया आया। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई आ जाता है। आप रशिया भी तो देखिए ना कितना तरक्की कर चुका है, ठीक है, और पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल स्टेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है उसके साथ साथ, लेकिन फौज जो है हमारी भरपूर मेहनत कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी। चले ये इनकी अपनी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में, तो पाकिस्तान की फोर्सेज को चाहिए कि वो मिलके इंडिया के साथ मिलके, अफगानिस्तान के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, जिस जिसको भी पाकिस्तान से ये गिला है उनके साथ मिलके कोई ऐसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई ऐसी फोर्स बनाए जिससे दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जा सके। और इसके हवाले से तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अपना एक स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि मिलके दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। मैं समझता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।